क्लोराइड की प्रेजेंस देखेंगे इन ए गिवन वाटर सैंपल्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 50 ml वाटर सैंपल लेना पड़ेगा। 50 ml वाटर सैंपल आप कोई भी ले सकते हो, पॉन्ड वाटर का ले सकते हो, टैप वाटर का ले सकते हो। तो आपने 50 ml जो है ले लिया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, 5 ड्रॉप्स जो है पोटासियम क्रोमेट इंडिकेटर की डालोगे। इससे क्या होगा, ये कलर जो है येलो आ जाएगा। कलर येलो आ गया, येलो आने कलर आने के बाद इसको हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट द टाइट्रेट जो कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है। तो सिल्वर नाइट्रेट आपको लेना पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट आप कहां लोगे, ब्यूरेट पे। तो सिल्वर नाइट्रेट लो। सिल्वर नाइट्रेट आपने ले लिया, मेंस्कस जीरो रखना इसका, ठीक है। तो ये आपके पास जीरो ज्यादा। हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट जो था टाइट्रेट, इसको हमने ब्यूरेट में ले लिया। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, जीरो। तो इसको अब हम टाइट्रेट करेंगे, जो सैंपल था इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट द टाइट्रेट। इसके बाद जो हमारे पास फाइनल कलर आएगा दैट इज ब्रिक रेड, और वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी, और अमाउंट ऑफ टाइट्रेट जो होगा वो यूज होगा। इसको आप प्रैक्टिकली यहां पे देख रहे हैं, यहां पे जो कलर आएगा आपका ब्रिक रेड कलर आएगा, दैट इज अवर एंड पॉइंट। करो करो, ठीक है, खिलाते रहो खिलाते रहो। थोड़ा सा डार्क ब्रिक रेड आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे अमाउंट ऑफ टाइट्रेट कितना यूज हुआ, बताओ वैल्यू कितनी है। टू पॉइंट, उधर से देखो, फ्रंट से देखो, तो यहां पे हमारा जो टाइट्रेंट है वो कितना यूज हुआ, 1.8। अब ब्रिक रेड कलर आ गया है यहां पे, तो इसके बाद हम इसकी क्या करोगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो मिलीलीटर ऑफ टाइट्रेंट यूज हुआ वो कितना हुआ, 1.8 इंटू जो नॉर्मेलिटी थी वो कितनी थी, ओके, इंटू इसका जो मास है 35.5 डिवाइडेड बाय 50 ml। कैलकुलेट करो जल्दी इसको, इंटू 1000, ठीक है। और इसका कितना आ गया, 80। इसका कितना कर दो, 10। इसका भी कितना कर दो, 10। करो कैलकुलेशन इसकी। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 17.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो अमाउंट ऑफ क्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 17.8 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज अवर रिजल्ट। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वाटर सैंपल का क्लोराइड आयन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। प्रैक्टिकली आपको हमने दिखा दिया।